पिछले तीन महीने में बिहार सरकार ने 2 लाख वैकेंसी दी है बिना एक उसके। अभी एनडीए की सरकार इनकी यहां पर गठबंधन की तुरंत पेपर लीक हुई है और उसके पहले की सरकारों में कहने की आवश्यकता नहीं किस प्रकार से साल भर बैठा करके परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होते थे, अतः साल भर बैठा करके सभी परीक्षाएं पास करा ली जाती थी। बिल्कुल लल्लू पंजू पकड़ के काम चलने वाला नहीं है। जो मेन आरोपी है आप उसको जड़ से खत्म करिए। मैंने फिर भी कहा कि बेईमान कोई ज्यादा है कोई कम है, ये अपना चरित्र देखें कि इन्होंने पिछले सालों में क्या किया। मणिपुर में एक बार भी देखने तक नहीं गए मोदी। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि कार्रवाई हो रही है, बड़े बड़े गुर्गे जेल में भेजे जा रहे हैं, बचे कुछ कुछ हैं वो भी जेल में भेजे जाएंगे। और ऐसी यहाँ तक कि इनकी न्यूज कोई दिखाती नहीं, पूरी बिकी हुई न्यूज। आप अपने पार्टी आप अपने पार्टी बिक गए होंगे, हम लोग अपने पार्टी बिक गए होंगे तो फिर नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार ने काम अच्छा नहीं किया, बीजेपी सरकार ने काम अच्छा किया है, ठीक है ना। जौनपुर में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है, काम उनकी रोड की हुई है, सड़क की हुई है, हर चीज काम हुई है। लेकिन जहाँ देखे जहाँ कुछ लोग हैं और कुछ लोग बात करना चाहेंगे। भैया आप लोग क्या नाम भाई साहब आपका? विकास जायसवाल सर। विकास जी क्या लगता है इस बार जौनपुर में किसकी सरकार होगी? इस बार तो कंफर्म है कि कांग्रेस सरकार यानी एनडीए गठबंधन आ रही है। अभी प्रत्याशी नहीं उतारे गए यहाँ पे? प्रत्याशी आएगी, देर है थोड़ा। क्यों देर है क्या? अभी धीरे धीरे काम चल रहा है, इंतजार किया जा रहा है, कोई अच्छा कैंडिडेट उन्हें मिलेगा उस हिसाब से अपना कैंडिडेट लाएंगे। महिला सीट हो सकती है यहाँ पर भी, अच्छा। कांग्रेस की या सपा गठबंधन कुछ हो सकता है यहाँ पे। और रही बात तो बीजेपी सरकार बेरोजगारी के मामले में एकदम तंग सरकार रही है, झंड सरकार रही है। उनकी एक भी एग्जाम कोई भी हो, एसएससी जीडी टेट यूपी टेट सी टेट जो भी हो, हर पेपर में धांधली हुई है। हर पेपर में एक भी नौकरी इनकी नहीं हुई। 69,000 वैकेंसी से लेकर 68,000 कोई सबसे बड़ी धांधली। अरे भैया बड़ी धांधली हुई है देखिए, धांधली के मामले में जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि पूरी तरीके से चीज़ें सुस्पष्ट और पारदर्शी बनाने की पूरी कोशिश हुई। जहाँ कहीं से पेपर लीक हुए हैं, दो साल से इनकी आयोग बन रही है, अभी आयोग नहीं बन रही। पिछले तीन महीने में बिहार सरकार ने 2 लाख वैकेंसी दी है बिना एक उसके। अभी एनडीए की सरकार इनकी यहाँ पर गठबंधन की तुरंत पेपर लीक हुई है। देखिए इसको लेकर के मैं भी मानता हूँ कि जो पेपर लीक होना है ये बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर के सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और उन प्रयासों में ही आप देख पाएंगे कि जितने उसमें दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई हो रही है। और इसके पहले की सरकारों में कहने की आवश्यकता नहीं किस प्रकार से साल भर बैठा करके परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होते थे, अतः साल भर बैठा करके सभी परीक्षाएं पास करा ली जाती थी। ये हम सब इससे वाकिफ है। साल भर बैठा परीक्षाएं उसकी भी तो जाँच कराने वाले थे, क्यों नहीं करा ली? उसकी भी तो जाँच कराने वाले थे। कोई भी जगह अगर कोई भी दोषी पाया जाए तो उसको सजा हो। बिल्कुल लल्लू पंजू पकड़ के काम चलने वाला नहीं है। जो मेन आरोपी है आप उसको जड़ से खत्म करिए, आप उसका घर गिराइए, वो गिराइए, ईडी वहाँ भेजिए। आप ईडी हमेशा विपक्ष के प्रति भेजते हैं, आप ईडी अपने के प्रति भेजिए जो गलती कर रहे हैं। इतना बड़ा पहलवान आरोपी जो सामने बहन बेटियों का वो कर रहा है, माँ बेटियों के बारे में बात कर रही हैं, पत्नी पहलवान हरियाणा की जो विख्यात उसकी वहाँ पर महिलाओं के बारे में एकदम से झड़कता रहा। बात करते हैं कि हमने इतना लड़के उतने लड़के बचाई, मणिपुर में एक बार भी देखने तक नहीं गए मोदी, एक बार भी अपना वो नहीं करते। देखिए हमने पहले ही कहा कि राजनीति में आरोप तो लगते रहेंगे। मैंने फिर भी कहा कि बेईमान कोई ज्यादा है कोई कम है, ये अपना चरित्र देखें कि इन्होंने पिछले सालों में क्या किया था। यहीं पर खुलेआम हत्याएं होती थी, खुलेआम बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, वो चीजों से कहीं न कहीं भारत निकल रहा है। और जो कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि कार्रवाई हो रही है। बड़े बड़े गुर्गे जेल में भेजे जा रहे हैं, बचे कुछ कुछ हैं वो भी जेल में भेजे जाएंगे। और ऐसी कार्रवाई होगी कि ये जो आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करते हैं, वह भी जेल के सलाखों के पीछे मिलेंगे। उसकी बेटी के साथ क्या हुआ सब जान रहे हैं। नंगे वहां पर मणिपुर में दौड़ाए गए पूरे रोड पर, यहां तक कि इनकी न्यूज कोई दिखाती नहीं, पूरी बिकी हुई न्यूज। जितनी भी न्यूज है कोई देखा, बीबीसी छोड़ दिया, एक दो है एनडीटीवी, एक दो टीवी छोड़ दिया जाए, सारी बिकी हुई है। पेपर न्यूज सब कुछ एक दूचार यूट्यूब सही दिखा रहे हैं, सब बिके पड़े फिर तो हम लोग भी सब बिकी गए होंगे, आप सब बिक गए होंगे। आप अपने पार्टी आप नहीं 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 आप अपने पार्टी बिक गए होंगे, हम लोग अपने पार्टी बिक गए होंगे तो फिर सुनिए। फिलहाल देखिए ये जौनपुर के युवा है,
नहीं करेगा। बीजेपी सरकार ने काम अच्छा नहीं किया, बीजेपी सरकार ने काम अच्छा किया है, ठीक है ना। जौनपुर में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है, काम उनकी रोड की हुई है, सड़क की हुई है, हर चीज काम हुई है। लेकिन जहाँ देखे जहाँ उसी काम को लेके हम जौनपुर को भी 400 पार के यह बिल्कुल देखिए भैया, तो ये जौनपुर के युवा हैं, इनके अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों के अपने अपने आरोप है, कोई बीजेपी प्रत्याशी को भ्रष्टाचारी बता रहा है तो कोई उनकी तारीफ करते नजर आ रहा है। फिलहाल वोट जब होगा उसके बाद ही पता चलेगा ऊंट किस करवट बैठेगा।